ये जो आप देख रहे हैं ये है पुलाव की यखनी। पुलाव की यखनी मैंने कैसे बनाई, इसमें मैंने डाली थी एक बड़ी प्याज और एक लहसुन पूरा, उसके जो क्लव्स के साथ होता है पूरा लहसुन बड़ा वाला जिसमें बहुत सारे क्लव्स थे, और इसके अलावा सौंफ डाली है, सूखा धनिया साबुत डाला है इसमें मैंने, और इसके अलावा ज़ीरा, काली मिर्च साबुत, लौंग और दालचीनी, और इसको मैंने तकरीबन 2-2.5 घंटे पकाया है। नमक भी इसमें शामिल किया था और हरी मिर्चें। जब 2-2.5 घंटे मैंने यखनी को पकने दिया तो उसके बाद इसमें मैंने क्या कहते हैं इसमें डाली मैंने चिकन। चिकन को मैंने बाद में इसलिए डाला क्योंकि चिकन को अगर आप यखनी में पहले डाल देंगे तो वो चिकन की बोटियाँ ज़्यादा गल जाएंगी। अभी ये मैं इसमें शामिल करी हूँ चिकन, और चिकन डालने के बाद हम इसको तकरीबन थोड़ी देर और रखेंगे, तकरीबन आधा घंटा या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट इसको रखेंगे। आधा घंटा ना ही रखें तो बेहतर है, वरना चिकन बहुत ज़्यादा गल जाएगी और फिर जब आप चावल बनाएंगे तो उसमें मसला होगा। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जब ये चिकन को डालने के बाद अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यखनी पक चुकी है, मगरिब का टाइम गुजर गया है, नमाज़ पढ़कर अब मैंने इसके पुलाव बनाना शुरू कर रही हूँ। इसको पतीले को मैंने गर्म करने के लिए रखा है, ज़रा ये गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे।
मैं पानी शामिल करूँगी क्योंकि ये नीचे से लग रहा है तो गलना जाए। तो चाइनीज नमक ऐड कर रही हूँ, ये पूरा नहीं डलेगा, मैं थोड़ा सा डाल दूँ, बाकी मैं थोड़ा सा रहने दूंगी। इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार आता है, कभी पुलाव में डाल के देखें आपको, आप मुझे खुद कहेंगे कि इसका टेस्ट मतलब पुलाव के टेस्ट में और अच्छा इससे जो है ना चेंज आएगा। मैंने अभी कुछ टाइम पहले भर कर मैं इंशाल्लाह बनाऊंगी, एक दो चीज़ें और हैं जो मैं इंशाल्लाह ट्राई करूंगी, इस तरह मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसा बनाती हूँ। हरी मिर्च मैं एक और इसमें ऐड कर रही हूँ, दो डाली थी ना तो मैं एक और इसमें ऐड कर रही हूँ। असल में आज काली मिर्च पिसी भी नहीं है, गरम मसाला मैं पिसा हुआ इसमें और डालती हूँ। पिसा हुआ गरम मसाला होता है, पिसी हुई काली मिर्चें भी होती हैं अलग से, तो वो उसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है, पर आज ना ख़त्म हो गया है गरम मसाला। ये अच्छे तरीके से हो चुकी है, इसमें अब हमने शामिल करनी है यखनी, तो यखनी को मैं ऐड करूँगी इसमें। और वो नहीं डालना चाहिए इसमें, तो मैं उसकी अंदाज करके डाली हूँ। और ये अब मैं इसको जो है ना छान लूँगी, पतीली को उस तरह से मुझसे उठ नहीं रही थी। हरी मिर्चें मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और ये प्याज है ये भी मैं शामिल कर रही हूँ। थोड़ा सा मैं नमक और ऐड कर रही हूँ इसमें, तो
आपके फीके भी ना हो चावल। इसमें अब मैं डालूंगी चावल। चावलों को मैंने काफ़ी देर पहले भी भूल दिया था और भीगे हुए चावल हैं, वो मैं इनको इसमें ऐड करूंगी।